उत्तर प्रदेश में सीएम आदित्यनाथ योगी ने सत्ता में आते ही सबको कानून के दायरे में रहने की नसीहत दी थी, लेकिन योगी की ब्रिगेड है कि मानती नहीं। कभी योगी की भगवा ब्रिगेड थाने में तोड़फोड़ करती है तो कभी समाज के ठेकेदार बनकर प्रेमी जोड़ों को नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, लेकिन इस बार तो हिंदू युवा वाहिनी ने सभी हदें पार कर डाली। आरोप है कि युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बुलंदशहर के गांव सोही में एक बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद दो गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल सोही गांव के राजुद्दीन के बेटे यूसुफ और पड़ोस के गांव फाजलपुर की रहने वाली युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती बीजेपी वर्कर की बेटी है। बताया जा रहा है कि दोनों को भगाने के शक में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बुजुर्ग की हत्या कर दी। मृतक गुलाम अहमद के बेटे वकील अहमद ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वकील का आरोप है कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता कई दिनों से उनके परिवार को धमकी दे रहे थे, लेकिन आज सुबह जब गुलाम अहमद अपने बाग में काम कर रहे थे तो युवा वाहिनी के कुछ लोग वहां आ धमके और लड़की को ढूंढने लगे, लेकिन जब गुलाम अहमद ने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने लात घूंसों और लाठी डंडों से उनके पिता को पूरी तरह पीटा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शिकायत के बाद अब इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूबे में कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाने वाले सीएम योगी की हिंदू युवा ब्रिगेड पर गंभीर आरोप लगे हैं। बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या करने के आरोप में अभी तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस घटना ने दोनों गांवों में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बना दिया है। देखते रहिए डीबी लाइव।